सर कहाँ पे देखी हो तो मुझे डीएम जरूर करना है। गाड़ी का नक्शा ही बदल गया और भाई की जिंदगी भी बदल गई। महीने में भाई मेरे 3 साल में 20,000 किलोमीटर चल लिए बंदे ने यार, 11 महीने में चला दी। एक बार इंजन सीज हो गया गाइस इसका, एक सीज हो चुका भाई मैं भी। तो भाई अपने पास आइए, एक पल्सर जो कि 150 सीसी है, और ये अपने भाई, भाई आपका नाम बता दो। तो भाई ये गाड़ी कब ली थी आपने? इसको 11 महीने, 11 महीने करीब होगा। ओ भाई ये कितने में ली थी? ये 1,00,000 रुपये। और कितने साल है? 11 महीने हो गए इसको अभी भाई, 11 महीने हुए अभी। इसके खर्चे देखना तुम भाई, फुली मॉडिफाई एसी पल्सर कहाँ पे देखी हो तो मुझे डीएम जरूर करना इंस्टा पे, और मैं इंस्टा आईडी दोनों की दे दूंगा, और बता देना कि एसी पल्सर किसी के पास हो तो बता। और इसने इतना पैसा खर्च हुआ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट 3,000 तक की बैठ जाती है। तो भाई की एक इंस्टा आईडी भी ये देख लो भाई, जिस पे 1,00,000 सब्सक्राइब फॉलोवर्स है, ठीक है। तो अच्छी खासी वीडियो बनते हैं, एक वीडियो वायरल हुई थी भाई की, जिससे इस गाड़ी का नक्शा ही बदल गया और भाई की जिंदगी भी बदल गई। तो भाई ये कितने में ली थी ये दिखाओ पहले। ये 1,40,000 की ली थी। तो अभी तक कितनी चल चुकी है? तो भाई ने फुल मॉडिफाई कर रखे है भाई, देख लो कितनी चली है। 23,819 किलोमीटर चली है 11 महीने में भाई मेरे 3 साल में 20,000 किलोमीटर चली है बंदे ने यार, 11 महीने में चला दी भाई। देख लो यार, तो यार इतना रनिंग है भाई की। भाई और कितना क्या इस पे तुमने इन्वेस्ट किया इस बाइक पे? ये मान लो तुम बहुत खर्चा हो जाएगा, हो गया होगा बहुत ज्यादा। फिर भी भाई मैंने इंस्टा पे आपकी वीडियो वगैरह देखी है कि आप इतने स्टंट वगैरह करते हो, फिर भी कितना क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है ये बताओ। इसका होता है भाई, टूट जाती है तो ये आती है 2861 रुपए की, और उसके बाद नंबर प्लेट आती है 400 रुपए की, ये टूट जाती है, और एक आती है 150 रुपए की, ये भी टूट जाती है। हाँ तो तीन आइटम ज्यादा टूटते हैं मेरे। तो भाई आपने स्टंट ही करना था वो ही पे जाना, तो KTM क्यों नहीं ली भाई? ड्यूक वगैरह थी, RC वगैरह थी, पल्सर ही क्यों? तो भाई कौन से बाइक लोगे पहले? देखते हैं जो अपने बजट में आएगी। एक बार इंजन सीज हो गया गाइस इसका, एक सीज हो चुका भाई। मैं वीडियो वगैरह डाल दूंगा कैसे क्या सीज हुआ था, बाइक पूरी खुल रखी थी, मैंने शोरूम पे देखा। ऑयल नहीं था इस गाड़ी में, वो चला लेते हमने, तो इसका इंजन सीज हो गया था। इसका इंजन स्विच था भाई, उसको बंदवाया तो उसमें खर्चा आया था, मतलब कंपनी तरफ से 10,000 का, बट वो गारंटी में ले लेते आधे पार्ट से, और ये पूरा खर्चा बैठ गया था इसका 3,500 करीब का के करीब का बैठ गया। तो भाई इसकी ये इस 11 महीने में भाई मैंने सुना है कि कितनी बार क्लच प्लेटें डला चुके हो आप? 7 बार क्लच प्लेटें डल चुकी है बाइक में यार, और भाई 5 बार ये मिरर डल चुके गाइस, ये मिरर वगैरह देख लो भाई, एक्सीडेंट भी हुए 3 बार ये डल चुके हैं इसके, ये देखो भाई यार एंटीकेटर डल चुके हैं 4 बार 11 महीने में। पर भाई एसी पल्सर कहाँ मिल जाए ना तो मुझे इंस्टा पे डीएम जरूर करना। कर रहा गाइस का व्हील कवर मंगाए थे गाइस, ये देख लो भाई फ्लिपकार्ट से, फुली मॉडिफाई है भाई, 3,000 रुपए के गाइस ये देखो भाई। इसके अलावा अपन ने ये लाइट मंगा रखी है, ये 1,500 रुपए की भाई, ये बहुत अच्छी लाइट है, सामने वालों को अंधा कर देती है। तो भाई ये क्या कार्बन फाइबर है क्या ऐसे ही, मतलब कुछ रैप वगैरह? ये कार्बन फाइबर है, लुक है बस, लुक के लिए है इससे हो। तो भाई देख लो भाई ने पूरी बाइक को जमा रखा है। तो भाई इसमें कुछ फीचर वगैरह आते हैं? ज्यादा नहीं आते, बस ऐसे ही आता है नॉर्मल बस। तो भाई पहले भाई के पास स्प्लेंडर थी तो वो चोरी हो गई, तो भाई ने ये ली, भाई इसको बना रखा है, देखो पूरे झलावाड़ में एक सिंगल पीस है भाई ये, पूरा पूरे जिले में वन इन इंडिया होगा भाई। ऐसी मॉडिफाई हो रही है तो बताना मुझे किसके पास हो रही है, मुझे डीएम करना, ठीक है? एक कमी रहेगी इसमें साइलेंसर की भाई, वो भी डलवा रखा था, ये देखो इधर से कुछ ये पुलिस पूरा आ जाएगा ना, तो एक नंबर लगेगी भाई। और ये देखो इधर राइडिंग वगैरह चल रही है बंदों की। तो भाई आप इससे कितने 11 महीनों में सेटिस्फाई हो इस गाड़ी से? क्यों वो क्या खर्चे ज्यादा लगाते हैं एक तो, और काम सही टाइम पे। तो भाई पहले भी तुमसे वो क्या फ्री सर्विस में पैसे वगैरह लिए थे, लेबर चार्ज लिया था उन्होंने भाई, क्लच प्लेटें डालने के उन्होंने करीब से करीब 1,500 रुपए लिए थे भाई से। भाई 1,800 रुपए लिए थे, फिर से 1,800 रुपए, ये देख लो भाई ऐसा कुछ होता है पल्सर वालों का। तो पल्सर वालों थोड़ा गाड़ी एक नंबर है भाई, गाड़ी एक नंबर है, 11 खर्चा भी ज्यादा नहीं है।
बस वो क्या कंपनी वाले जो बाजार का शोरूम है ना वो खर्चा लेता है वैसे। तो भाई लास्ट सवाल है मेरा कि भाई ये 23,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई, कितने का एवरेज निकालती है भाई? भाई 40 का एवरेज। सही में 40? ओ भाई इसकी KTM से बड़ी टैंकी है फ्यूल की वगैरह, बड़ी है ना इससे? कितने लीटर की है? कंपनी क्लेम करती है 15 लीटर। हाँ और ज्यादा आता है। तो भाई इसमें 9.5 लीटर की टंकी है और इसमें भी देख लो भाई कितने लीटर की, भाई 15 लीटर की टंकी है। और कितने में फुल हो जाती है? अभी 120 रुपए लीटर हुआ था, 1800 करीब में भाई फुल हो गई थी ये देख लो। अभी वो पहले 120 था ना जब, तो भाई 2200 रुपए में फुल हो रही थी भाई, 1900 में फुल हो रही थी। तो भाई ये ऐसी कुछ बाइक है। और ये अपना रोहित भाई, बाइक यार खो तो दिखा देना मुझे, DM कर देना दोनों के इंस्टा पे, हम देख लेंगे फिर हम देखते हैं। और कौन सा वाला लगाओगे भाई इसमें? तो भाई AC वगैरह पहले लग रहा था, Agrabovic सही रहेगा इसमें। Agrabovic अच्छी कंपनी है और लगता भी AC क्या कॉपी भी आने लगती है, Agrabovic अच्छी है तो उसको मैं ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा। ठीक है तो भाई और कुछ आपने इसमें क्या क्या करवा रखा है, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह? इंजन को थोड़ा मॉडिफाई किया, ये पल्सर वगैरह लिखा रखा है और आगे भी वैसे कैप लगी हुई है। और इसमें भाई कितने चैनल ABS आते हैं इसमें? वैसे भाई आगे सामने से पूरा देखो, पूरा सेटअप कर रखा है बंदे ने यार, कोई पुलिस वाला रोक लेना तो भाई चालान पक्का है। और ये मिरर, दो चालान हो चुके हैं भाई के। ये मिरर वगैरह देख लो भाई, ये देखो। और ये इधर देखो भाई, बंदे ने पूरा स्मोक वगैरह करा रखा है। और इधर पीछे से भी देख लो तो पूरी मॉडिफाई करवा रखी है, अभी और होगी मॉडिफाई तो और अच्छी लगेगी। तो जब इसका कलर थोड़ा हो गया मतलब उड़ने लग गया तो कलर भी, और कलर वगैरह भी करवाएंगे इस पे। तो भाई अपनी नेक्स्ट बाइक कौन सी रहने वाली है इसके बाद? बजट में जो आएगी 2-2.5 तक। 2-2.5 तक भाई, 2.5 लाख के समथिंग में कुछ बाइक भी दिखाना जिससे हम राइडिंग वगैरह स्टंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है वो बजाज की लोगे या फिर कोई और, उस टाइम पे जैसी सिचुएशन रहेगी वो उसी बाइक ले लेंगे। ठीक है तो भाई आगे पीछे दोनों पर डिस्क ब्रेक आते हैं। और ये अपना रोहित भाई, गाड़ी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को। बस एक इससे परेशानी आती है थोड़ी सी, ये थोड़ा जो इसका है ये बार बार मतलब ये कंपनी वाले नहीं करने देते सही, बस भाई सही से काम नहीं करते बस कंपनी वालों। भाई बजाज वालों सुधर जाओ थोड़ा यार, ऐसा क्या करते हो भाई? बंदे ने तुम्हारी गाड़ी का इतना बड़ा प्रमोशन कर दिया है भाई, 1 लाख फॉलोअर्स लेके घूम रहा है बंदा, अभी 1.5 लाख होने में आई है, कुछ तो सुधार करो यार अपनी। सुधार नहीं करते भाई, ये सुधार तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे क्या बाइक खोल कर रखते हैं साले, ये तो सही करते नहीं, एक एक दो दो महीने तक बाइक खड़ी रहती है। तो भाई ये फुल सेटिस्फाई हो ना अपनी बाइक से? और अभी तक ये 23,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो भाई कितने का पेट्रोल खा गई है समथिंग वगैरह कुछ अराउंड? 50,000 के समथिंग भाई, अगर प्राइस भी ऊपर नीचे हुई है तो भाई थोड़ा अप एंड डाउन भी होगा, ऊपर नीचे हाँ 50-60 भी हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, पर 40-50,000 फिक्स है कि चल चुकी है भाई। क्योंकि भाई 1100 के पेट्रोल में ये भाई 400 किलोमीटर चलती है, तो तुम देख सकते हो भाई इतने का तो पेट्रोल पी गई होगी। और भाई आप पूरा सेटिस्फाई इस बाइक से? भाई ये देख लो भाई, स्टंट वगैरह भी करते हैं तो मैं इंस्टाग्राम आईडी रहा, मजा आते है भाई भाई को स्टंट। भाई स्टंट के लिए तुम्हें कौन सी बाइक रिकमेंड करनी चाहिए बंदों को? या तो ड्यूक में जाओगे तो 200 cc ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यामा में F250 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बजाज में NS200 ले लो, बजाज में NS। भाई RS भी तो अच्छी बाइक है, RS से स्टंट उसके लिए गाइस बट हो जाते हैं। हां बट थोड़ा हार्ड पड़ता है, हार्ड होता है भाई, उसमें फेयरिंग वगैरह होती है ना तो टूटने का टूट भाई महंगी आती है फेयरिंग वगैरह। ओ भाई इधर राजस्थान में झलावाड़ जिले में पाटन है एक शहर है, तो उसमें इतना वो नहीं है भाई, इतना एडवांस नहीं है ताकि वो RS हमें दे सके, क्योंकि वहाँ पे भाई वो प्लेटिना पल्सर वगैरह मिलती है, तो डोमिनार की बोलो तो भाई 5 महीने लगवा देते हैं ऐसे बंदे वहाँ पे। भाई लास्ट से लास्ट भाई यहाँ पे R15 मिल सकती है,
और कुछ मिलने का चांस है नहीं इधर, इससे बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी इससे बड़ी। भाई इधर KTM के टायर नहीं मिलते, और तुम क्या बात कर रहे हो। तो भाई भाई हमने बोला था अभी उस बंदे ने हेलमेट वगैरह बाइक की एसेसरीज के लिए वो खोला है, तो भाई पूरा भाई अपना सेटिस्फाई है भाई। 24,000 किलोमीटर चल चुके, 40 से 50,000 रुपए का तेल खा चुकी है आराम से, ऊपर नीचे तुम देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन है भाई, पूरा अपनी बाइक से सेटिस्फाई है। तो भाई अपना अपनी वीडियो इतनी थी, तो भाई का चैनल वगैरह भी डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे भाई मेरे से बड़ा चैनल भाई का है, फिर भी देख लेना अपन वीडियो वगैरह देख लेना, ठीक है? तो पल्सर वगैरह देख लो। आज की वीडियो अपनी थी, टाटा बाय बाय।